स्टूडेंट, कल अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था मोटापा। मोटापा किस वजह से बढ़ता है? अगर आपने डिब्बेबंद खाद्य सामग्री का उपयोग किया है या आवश्यकता से अधिक वसा खाया और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं किए, इस वजह से आपका क्या होता है? मोटापा बढ़ जाता। मोटापा बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां होती है। मोटापा बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप जिसको हाई बीपी बोलते हैं, हाई बीपी। इसके अलावा निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। निम्न रक्तचाप मोटापा बढ़ने से जरूरी नहीं है कि आप में खाद्य पदार्थों की अधिकता हो। मोटापा बढ़ने से जो न्यूट्रिशन होगा, संतुलित भोजन होगा, उसकी मात्रा तो आपकी कम हो जाएगी। जो उचित मात्रा में चाहिए वो तो कम हो जाएगी। एक से अधिक पदार्थों की तो अधिकता हो जाएगी, कुछ की कमी हो जाएगी। इसलिए निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी का नाम और अपने आपकी दे रखा है, हाइपोथायरायडिज्म। मतलब थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी आपकी? कम सक्रिय हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि होने से क्या होगा? क्योंकि अपने शरीर की जो भी उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनको क्या करती है आपकी? नियंत्रित करती है। तो इसकी वजह से भी आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो अपन देखते हैं उच्च रक्तचाप का क्या नुकसान है, निम्न रक्तचाप का क्या नुकसान है, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन उच्च रक्तचाप। सबसे पहले देखेंगे अपन उच्च रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है? धमनियों और शिराओं का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा छोटी क्लासों में भी। धमनियां, शिराएं, पहला है धमनी, दूसरा आपका शिराएं। धमनियां और शिराएं क्या होती है? इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसमें केशिकाएं भी आएगी, रक्तवाहिनियां, केशिकाएं। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं आपके? तो धमनियां, शिरा और केशिकाएं, तीनों को क्या कहेंगे अपन? रक्तवाहिनियां। तो जैसे किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ा है, उच्च रक्तचाप का मतलब ये होता है धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, ये आगे और ब्रांचों में, शाखाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में, उनको बोलते हैं केशिकाएं। तो उच्च रक्तचाप, पहले समझते हैं रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा शिराओं धमनियों पर जो दाब डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, वो होता है आपका रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप में क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप में क्या होगा, या कह सकते हैं रक्त का प्रवाह तेज हो जाएगा। वो किस किस वजह से हो सकते हैं? अगर आपके टेंशन है, आपकी कोई टेंशन हो गई, आपने ज्यादा खा लिया, या फिर ये कह सकते हैं आपके ऐसी कोई खाद्य पदार्थों का सेवन किया है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब ये हाई बीपी और लो बीपी होता है क्या, वो देखते हैं अपन। दो शब्दों का उपयोग करते हैं अपन, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। कई बार कहा जाता है इसका बीपी हाई होगा, कई बार कहा जाता है इसका बीपी लो हो गया। तो साइंस की भाषा में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक और दूसरा है आपका सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक आपके रक्तचाप की या अपने रक्तचाप की निम्नतम और अधिकतम सीमा को इन दोनों से नापा जाता है। यह होता है आपका 120 mmHg। तो निम्नतम तो क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए? 120। पर प्रेजेंट में 80 की जगह कितना आपका? 90। तो ये आपके तो ये डाटा दे रखा है बुक में, तो अपन इसी को फॉलो करेंगे। तो उच्च रक्तचाप मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, निम्नतम कितना होना चाहिए? 80 और अधिकतम कितना होना चाहिए आपका? 120 होना चाहिए।
अगर इससे कम हो गया और इससे इससे ज्यादा हो गया तो हाई बीपी, इससे कम हो गया तो आपका लो बीपी। और उच्च रक्तचाप हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। उच्च रक्तचाप से क्या होंगे, सांसें तेज तेज चलने लग जाएगी, घबराहट होगी। और हाई बीपी से क्या होता है, आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है जो रक्त वाहिनियां है, धमनियां है, शिराएं है, केशिकाएं, ये शरीर के अंदर ही फट जाएगी और व्यक्ति की आंतरिक रक्त प्रवाह की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। या फिर आपके क्या होगा, जैसे हृदय है उसको प्रॉपर मात्रा में जितनी सप्लाई होनी चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो भी आपके दिक्कत हो सकती है। हाई बीपी से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये था आपके उच्च रक्तचाप, इसका कारण क्या है, कारण लिख लो, उच्च रक्तचाप के कारण चिंता। इसके अलावा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, खाद्य पदार्थों का सेवन, व्यायाम नहीं करना, नहीं करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का अधिक सेवन करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का अधिक सेवन करना, या फिर ये कह सकते हैं आप मैदा बेसन इन सब का अधिक उपयोग करने से भी क्या हो जाता है, आपका हाई बीपी हो जाता है या उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर आपने अच्छी डाइट ली है पर उसके अनुसार आपने एक्सरसाइज नहीं किए, मेहनत नहीं किए, तो भी आपका क्या हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, बीपी हाई हो सकता है। अब जो उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, एक तो बैलेंस डाइट संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का कम से कम सेवन करना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट मैदा बेसन इनका उपयोग बिल्कुल ना के बराबर कर देना चाहिए। इसके अलावा उसके भोजन में क्या होने चाहिए, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, जिससे क्या होगा आपका हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था आपका हाई बीपी। इसके अलावा लो बीपी या निम्न रक्तचाप क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन। निम्न रक्तचाप ये सब मोटापे के ही कारण है, संतुलित आहार नहीं लेने के कारण है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में क्या होगा, जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, यकृत है, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, इन सब अंगों को प्रॉपर मात्रा में रक्त नहीं मिलेगा और ये इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी आपकी धीमी पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, इनकी कार्य क्षमता धीमी पड़ जाएगी। और लंबे समय तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या फिर उस निश्चित ऑर्गन में या उस अंग में या उस भाग में क्या जाता है आपके लकवा, लकवा ग्रस्त हो जाता है। तो ये था आपका निम्न रक्तचाप क्यों हो सकता है, अगर आपने प्रॉपर डाइट ली नहीं लिए, एक्सरसाइज नहीं किए, आपके भोजन में क्या है संतुलित या पोषक तत्वों की कमी है तो आपका रक्तचाप क्या हो सकता है, निम्न हो सकता है। तो आपको डॉक्टर एडवाइस देता है कि संतुलित आहार का सेवन कीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होगा आपका बीपी लो नहीं होगा। अब ये तो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा इस वाले टॉपिक में से एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, रक्त चाप का या फिर कह सकते हैं आपका किस यंत्र से नापा जाता है, रक्त चाप को किस यंत्र से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है,
तो इसका नाम होता है रक्तचाप मापी, रक्त चाप मापी, ये इसका हिंदी नाम है। और इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये वह उपकरण है, ये वह यंत्र है जिससे रक्तचाप को मापा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने रक्तचाप को सबसे पहले किसमें खोजा था, हॉर्स में, घोड़ों में इन्होंने क्या करा, सबसे पहले रक्तचाप को इन्होंने घोड़ों में खोजा था। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके रक्तचाप से बन सकते हैं। तो ये था आपके मोटापे की वजह से, हाई बीपी, लो बीपी या संतुलित आहार नहीं लेते उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं वो अपन ने देखे थे। अब अपन अगला देखते हैं, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जिससे आपको कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति होती है, कुछ समय के लिए क्या होती है अपन को, आनंद की अनुभूति होती है। तो अपन देखते हैं अगला, नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ। नशीले पदार्थ इसका दूसरा नाम है मादक पदार्थ, मादक पदार्थ। नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ वो होते हैं जो कुछ समय के लिए आपको आनंद की अनुभूति करवाते हैं, रियल में इनसे कोई आनंद नहीं मिलता है, इनसे आपके जो शारीरिक अंग है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और भविष्य में इनका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो ये होते हैं आपके मादक पदार्थ। मादक पदार्थ की अगर परिभाषित करें तो अस्थायी आनंद की अनुभूति देने वाले पदार्थ, अस्थायी आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाले पदार्थ। कुछ समय के लिए आपको क्या करेंगे, ये आनंद की अनुभूति करवाएंगे, आपको लगेगा दुनिया में कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, वो होते हैं आपके नशीले पदार्थ। इनमें देखते हैं सबसे पहले गुटखा, गुटखा, चूना मिश्रित, चूना मिश्रित, तंबाकू, सुपारी व अन्य पदार्थ, ये सब किसमें आएंगे आपके, गुटके में सम्मिलित किए जाते हैं। सुपारी है, जर्दा है, तंबाकू है, ये सब क्या होंगे आपके, नशीले पदार्थ होते हैं या गुटके के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इनको लगातार चबाने से मुंह का और गले का कैंसर होता है, इनको लगातार चबाने से मुंह और गले का कैंसर होता है, मुंह और गले का कैंसर होता है। इसके अलावा आपके एक डिजीज दे रखी है, एक बीमारी का नाम दे रखा है, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये एक बीमारी का नाम है। इसमें से क्वेश्चन है तो ऐसे आता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जो मुंह है और जो जबड़े की मांसपेशियां है उनकी गति या उनके जो चलायमान शक्ति है वो कम क्यों हो जाती है, तो उसका कारण है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो अपन इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है, और वह कौन सी बीमारी है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, वह कौन सी बीमारी है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वह कौन सी बीमारी है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो वो कौन सी बीमारी है, सम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अलावा इस बीमारी में मुंह भी आसानी से नहीं खुल पाता है, और इसका कारण है आपका गुटखा
सुपारी जर्दा ये सब चबाने की वजह से कैंसर तो हो ही रहा है, साथ में ये भी हो रहा है, इससे प्रॉपर मुंह नहीं खुल पाता और व्यक्ति को हानि होती है। इसके अलावा अगला नशीला पदार्थ है आपका तंबाकू। अगला नशीला पदार्थ है आपका तंबाकू। तो तंबाकू में से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखने अपन को। तंबाकू सबसे पहले, तंबाकू कहां से प्राप्त होता है? तो तंबाकू पत्तियों से प्राप्त होता है, या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्तियों से। जो तंबाकू का पादप होता है उसकी ग्रीन पत्तियों को तोड़ के छायादार स्थानों पे सुखाया जाता है, उससे जो प्राप्त होती है वो क्या होती है? आपकी तंबाकू। तो तंबाकू कहां से प्राप्त होता है? आपका पत्तियों से। इसके अलावा इसके कुल का नाम क्या है? कौन से कुल का पादप होता है तंबाकू? कौन से कुल का पादप होता है? तो इसका कुल होता है आपका सोलेनेसी। तंबाकू किस कुल से प्राप्त होता है? आपका सोलेनेसी कुल से क्या होता है? आपका तंबाकू प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, इसको वानस्पतिक नाम भी बोलते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है? दोनों तरीके से पूछ सकता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये दोनों ही क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? निकोटियाना टैबेकम। निकोटियाना टैबेकम, निकोटियाना टैबेकम क्या है? तंबाकू का रासायनिक नाम है, टैबेकम भी लिखते हैं और टोबेकम भी लिखते हैं। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नेम, ये क्वेश्चन पूछा था। वो पादप किस भाग से प्राप्त होती है? पत्तियों से। इसका कुल कौन सा? इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है? इन सब से संबंधित क्या पूछा जाता है आपका प्रश्न। इसके अलावा ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि तंबाकू से हानियां क्या होती है, नुकसान क्या होता है। तो अपन अपना अगला टॉपिक है तंबाकू से होने वाली हानियां। ये दो नंबर तक का क्वेश्चन आता है, तंबाकू से होने वाली हानियां, तंबाकू से क्या क्या हानियां हो सकती है, ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला देखो आप इसे, गला मुंह व जीभ का कैंसर। गला मुंह जीभ इत्यादि का कैंसर, अगर कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसका गला खराब हो सकता है, जीभ खराब हो सकती है और मुंह, इन तीनों का क्या हो सकता है, उसके कैंसर हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, इसमें जोड़ सकते हो। इसके अलावा गर्भवती स्त्री, गर्भवती स्त्री, गर्भवती स्त्री इसका सेवन करती है तो, इसका सेवन करती है तो भ्रूण के विकास पर, भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भ्रूण के विकास पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या तो बच्चा विकृत होगा या कंप्लीट रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। तो अपन ने देखा तंबाकू से होने वाली हानियां क्या क्या होती है। इसके अलावा यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये नहीं पीते, पर उनके दोस्त वगैरह उनके फ्रेंड सर्किल में जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो तंबाकू या फिर ये कह सकते हो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिगरेट बीड़ी के धुएं में, सिगरेट बीड़ी या जो हुक्का जो भी होता है बीड़ी के धुएं में
धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस निकलती है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी वो करेगी क्या, आपके लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कर देती है, आपकी नष्ट कर देती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है, अब लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनेगी तो रक्त को, सॉरी रक्त के थ्रू जो भी आपके खाद्य पदार्थ जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाएंगे और व्यक्ति को क्या होगा, आपका नुकसान। तो ये है आपके बीड़ी सिगरेट पीने के नुकसान। इसके अलावा मैंने बोला कि एक होती है एक्टिव स्मोकिंग सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। सपोज कोई आपका दोस्त है या फिर आपके कोई संबंधी है या दादाजी है, वो सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, आप लोग नहीं पीते, पर अगर आप उनके पास में बैठे हो तो आप कैसे हो गए निष्क्रिय, सॉरी सक्रिय, निष्क्रिय, और वो कैसे हो गए सक्रिय, वो तो खुद पी रहे हैं, डायरेक्ट पी रहे। निष्क्रिय का मतलब होता है एक्टिव और पैसिव का मतलब उसके पास में बैठा है। जैसे उन्होंने सिगरेट पी तो वो धुआं उन्होंने बाहर छोड़ दिया, आप उसी इन्वायरमेंट में बैठे हो तो वो धुआं आपके नाक के द्वारा, नासारंध्रों के द्वारा कहां पहुंच गया, आपके फेफड़ों में, तो आपको भी कैंसर हो सकता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट पीने वाले के पास भी अपन को नहीं बैठना। ये है आपके तंबाकू से होने वाले नुकसान। तंबाकू एक हानिकारक पदार्थ है और ज्यादातर कैंसर होने का 99% कैंसर होने का मात्र और मात्र एक कारण है आपके तंबाकू का उपयोग करना। अब अगला नशीला पदार्थ देखते हैं अपन, अल्कोहल, जिसको शराब बोलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल चाहे कोई सा भी हो, कई बार पेपर में आता है जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो वो होता है आपका अल्कोहल। पर वो कैसा होता है, आपका स्पिरिट होता है जो पीने में काम नहीं आता। तो अल्कोहल चाहे कोई सा भी हो, उसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, आपका एथेनॉल, CH3CH2OH। पूछा भी जाता है इसका मुख्य घटक क्या है, इसको बोलते हैं एथेनॉल। तो अल्कोहल का मुख्य घटक क्या होता है, आपका एथेनॉल होता है। और जो भी व्यक्ति शराब पीता है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है कि अल्कोहल पीने से या अल्कोहल का उपयोग करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। आपका लीवर क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई पॉइजनस पदार्थ जाता है या फिर कोई व्यक्ति इसका अल्कोहल का कंटिन्यू उपयोग करता है, लगातार उपयोग करता है, तो अल्कोहल का उपयोग करने से होगा क्या, ये जो अल्कोहल है, जैसे भी अपन ने कोई भी सब्सटेंस खाया है, कुछ भी पिया है, तो अपना जो लीवर होता है वो क्या करता है, आपका बाइल जूस या पित्तरस का क्या करता है, आपका स्त्रावण करता है और पित्ताशय में वो स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, सपोज किसी ने अल्कोहल लिया, तो जो आपका लीवर होगा उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगा। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है उसके जहरीले प्रभाव को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेगा, और खत्म करेगा तो लीवर की कोशिकाएं भी क्या होगी, नष्ट हो गई। इसी वजह से जो व्यक्ति अल्कोहल का उपयोग करता है उस धीरे धीरे उसका लीवर क्या हो जाता है, आपका डैमेज हो जाता है, और लीवर खत्म होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से, नष्ट होने की वजह से जो व्यक्ति अल्कोहल का उपयोग कर रहा है उसकी क्या होती है, आपकी मृत्यु होती है। तो अल्कोहल भी क्या है, शराब भी क्या है, आपका नशीला पदार्थ है, और इसका उपयोग किया जाता है आपके किसमें, शराब में। इसके अलावा देखो, साइंस में जो भी डिस्कवरी होती है, साइंस ने जो भी डिस्कवरी की है वो फायदे के लिए की है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति उसका यूज कैसे करता है। सपोज अल्कोहल का निर्माण जब किया गया था वो कहां, किस लिए किया गया था, औषधियों के रूप में। जो भी आपकी कफ सिरप आती है, खांसी की जो दवाई आती है, कफ सिरप, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज, देखना कभी कफ सिरप है 0.5% है, किसी में 0.1% है, अलग अलग वो दवाई पे डिपेंड करती है, उसमें लिखा होता है अल्कोहल का परसेंटेज। तो वो आप साइंस में जो भी डिस्कवरी होती है यूजफुल के लिए होती है, पर लोग उसका यूज, साइंस का लोग यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। तो ये इसका मिसयूज हो रहा है,
इसका निर्माण किस लिए किया था, ताकि जो दवाई बन रही है, सपोज कफ सिरप बहुत सारे बनते हैं, अभी अपने सैनिटाइजर चल रहा है उसमें अल्कोहल का यूज हो रहा है, तो वो नुकसानदेह थोड़ी ना है, वो अपने क्या करते हैं जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है ये आप पे। तो साइंस में जो भी डिस्कवरी होती है यूजफुल होती है, पर जो पर्सन जैसे यूज करता है उसका उस हिसाब से डिमेरिट्स उठाना पड़ता है। तो ये क्या करा, इसका यूज हुआ यूजफुल के लिए, पर लोग क्या करते हैं अल्कोहल पीते हैं, लीवर खराब करते हैं, इसके अलावा क्या होता है वो फाइनेंशियली भी नुकसान होता है उनका। इसके अलावा अल्कोहल पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अल्कोहल के दुष्प्रभाव लिख सकते हो, नुकसान लिख सकते हो, हानिकारक प्रभाव लिख सकते हो, कैसे भी लिखो। क्या होगा, आर्थिक हानि होगी, आर्थिक हानि, जो अल्कोहल पीता है उसको कोई मतलब नहीं है घर में कुछ है या नहीं है, कैसे भी उसको अल्कोहल यूज करनी है, मतलब कैसे ना कैसे उसको शराब पीने, वो घर बेच सकता है, जमीन बेच सकता है, घर के सामान बेच सकता है, पर उसको अल्कोहल चाहिए। इसके अलावा यकृत या लीवर क्या कह सकते हैं आपका, खराब हो जाता है उसका। सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, अगर वो अल्कोहल उसने ले रखी है तो इधर उधर घूमता रहेगा। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल पी के गाड़ी ड्राइव करते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। दुर्घटना होने की संभावना, संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपने अल्कोहल पी के गाड़ी चलाई है तो जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त में कितनी मात्रा तक अल्कोहल पर्याप्त मात्रा में होती है, इससे ज्यादा होते ही वो क्या करती है आपके कानून के विरुद्ध होती है, तो वो आएगी आपकी 30 ml। इससे ज्यादा होते ही ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा होते ही क्या होती है आपकी वो कानून के नियमों के अपराध, दंडनीय अपराध है, और आपको गवर्नमेंट या कानून क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, आपको सजा हो सकती है। ये शराब, ये सारे क्या थे आपके हानिकारक पदार्थ, नशीले पदार्थ। इसमें अगला अपन देखेंगे अफीम, जो अपन कल देखेंगे। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों के शायद नेट ना चलने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जिनके चल रहा है वो तो इससे ले सकते हैं, आप इससे मतलब हेल्प ले सकते हैं इस चैनल से, और नहीं चल रहा उनके लिए आपके वैसे ऑफलाइन वो भी भेजा आपके कंटेंट, तो आप उसको देखिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, या फिर फोन नंबर होंगे तो फोन नंबर से कैसे भी आप देख लो, इस चैनल से बता सकते हो। और लास्ट में अपन एक आपका ऐसा लेक्चर लेंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम मैं अपने हिसाब से देख लूंगी, ये प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है। और आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।